गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर टू हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हायर परचेज का मतलब क्या है सबसे पहले हायर का क्या मतलब होता है हायर का मतलब आप किसी चीज को किराए पर ले रहे हैं परचेज का मतलब आप खरीद रहे हैं तो यहाँ पर किराए पर लेना और खरीदना दोनों अलग अलग टर्म्स हो गई तो हायर परचेज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ जब हम इसका मीनिंग करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये दोनों चीजें जो हायर और परचेज है दोनों का जो मीनिंग है इस ये जो सिस्टम है हायर परचेज सिस्टम इसमें दोनों ही एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। जब आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को हायर परचेज सिस्टम पर लेने गए तो आप एक्चुअल में उसे जब ले रहे हो तो आप उसके लिए इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो जो पेमेंट उसकी करोगे आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे और वो परचेज एसेट तब मानी जाएगी जब आप उसकी पूरी पेमेंट कर दोगे जब तक आपने उसकी पूरी पेमेंट नहीं की तब तक उसे ये समझा जाएगा कि आपने उसे हायर किया है तो जब हम इसका मीनिंग करेंगे हायर परचेज सिस्टम का तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो एट प्रेजेंट हमने जो देखा कि जो हायर है और जो परचेज है दोनों टर्म्स अलग अलग हैं लेकिन इसमें किस तरीके से हायर परचेज सिस्टम में ये दोनों टर्म्स एक प्रोसेस की तरीके से चलती हैं तो मीनिंग क्या है देखते हैं हम जो गुड्स और एसेट्स हैं आप डिफरेंट मेथड से सोल्ड कर सकते हो डिफरेंट तरीके हैं कैश में सोल्ड कर सकते हो आप क्रेडिट में सोल्ड कर सकते हो और उसी में से एक और मेथड है दैट इज हायर परचेज सिस्टम अगर आप कैश सेल्स कर रहे हो तो उस केस में जो ऑनरशिप है और जो डिलीवरी है गुड्स की इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है परचेजर को और जो परचेजर है वो फुल पेमेंट कर देता है एट द टाइम ऑफ सेल लेकिन जो हायर परचेज सिस्टम है ये भी एक मेथड है बाइंग एंड सेलिंग का गुड्स का लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो प्राइस है एसेट का वो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो कैश पेमेंट आप नहीं करते इंस्टॉलमेंट्स मंथली हो सकती है क्वार्टरली हो सकती है हाफ ईयरली हो सकती है ईयरली हो सकती है हायर परचेज सिस्टम के केस में एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन दी परचेजर एंड सेलर जहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि कितने अमाउंट की हर एक इंस्टॉलमेंट होगी और कितने टाइम इंटरवल के बाद आपने जो इंस्टॉलमेंट है पे करनी है हायर परचेज सिस्टम में जो डिलीवरी है गुड्स की और गुड्स को यूज करने का जो राइट right है आपको इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाता है जब आपने एग्रीमेंट साइन किया लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती है उस टाइम पे ऑनरशिप आपको कब ट्रांसफर की जाएगी जब आप अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे तब आपको ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है अगर इन बिटवीन जो हायर परचेजर है जो खरीद रहा है जो बायर है उसे हम हायर परचेजर कहते हैं और जो सेलर है उसे हम हायर वेंडर कहते हैं अगर जो हायर परचेजर है वो डिफॉल्ट करता है इन दी पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वो इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं करता तो उस केस में जो सेलर है जिसे हम वेंडर कह रहे हैं उसके पास राइट right है अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट कि वो अपनी गुड वापस ले सकता है और जो भी पेमेंट्स जो हायर परचेजर है उसने अभी तक इंस्टॉलमेंट्स में हायर वेंडर को पे की हैं उसे हम हायर रेंट ट्रीट करेंगे वो पेमेंट वापस हायर परचेजर को नहीं किया जाएगा उसे हम हायर रेंट मानेंगे और जो हायर वेंडर है वो सारी पेमेंट को प्रॉफिट कर लेगा और इस सिस्टम के अंडर जैसे कि हमने अभी बात की हायर परचेजर वो पर्सन जो परचेज कर रहा है और सेलर जो है उसको हम हायर वेंडर कहते हैं

टाइटल इन द प्रॉपर्टी रिमेन्स विद हायर वेंडर जो ऑनरशिप है टाइटल का मतलब यहाँ पर है ऑनरशिप जो है प्रॉपर्टी की वो हायर वेंडर के पास ही रहती है द पेमेंट प्रियोरियर टू फाइनल पेमेंट फाइनल पेमेंट जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट जो आपने की है उससे पहले की जो भी सारी इंस्टॉलमेंट है जो भी पेमेंट आपने की है आर रिगार्डेड एज बी प्योरली इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर टोटली ये समझा जाएगा कि वो जो आपने किराए पर ली है चीज उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो एंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी डज़ नॉट पास टू दी हायर परचेजर टाइटल ऑनरशिप आप जब तक हायर परचेजर को नहीं दोगे जब तक अंटिल सच फाइनल पेमेंट जब तक जो फाइनल पेमेंट है और सम अदर कंसिड्रेशन या फिर और जो भी किस जिस भी कंसिड्रेशन पर आपका जो सेटलमेंट है हुआ है Provided for the contract, contract jo mentioned thi, has been fulfilled. Usko jab tak fulfill na kar liya jai. According to J.R. Boy, under the higher purchase system, goods are delivered to a person who agrees to pay the owners equal periodical installments, such installments to be treated as higher of those goods until a certain fixed amount has been paid. वेन दीज गु बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ दायर सेम चीज वो बोल रहा है कि जो गुड्स है आप डिलीवर तो कर देते वो, को। वो पे करेगा आपको इक्वल पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट्स में जो भी पैसा है लेकिन जो इंस्टॉलमेंट है उसे आप हायर मतलब किराया ही मानोगे गुड्स का जब तक जो एक फिक्सड अमाउंट है वो आपको पे नहीं कर दी जाती और जो गुड्स है जो प्रॉपर्टी की मतलब जो गुड है जिसे आप हायर पर खरीद रहे हो उसका जो प्रॉपर्टी है वो किसकी रहेगी तब तक जब तक पेमेंट आप फिक्स अमाउंट की नहीं कर देते जो हायर वेंडर है उसी की प्रॉपर्टी वो रहेगी देन करेक्टरिस्टिक्स क्या है हायर परचेज सिस्टम के सबसे पहला है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इस सिस्टम के अंदर जो गुड्स आप सोल्ड कर रहे हो वो क्रेडिट पे करते हो इंस्टेड ऑफ कैश देन पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट जो प्राइस है गुड्स का जो आपने परचेज की है गुड्स उसकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट्स की और जो टाइम इंटरवल है फॉर दी पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वो पहले से म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होता है बिटवीन हायर परचेजर एंड वेंडर देन राइट ऑफ प्रोसेशन एंड यूज ऑफ गुड्स जो राइट ऑफ प्रोसेशन है और जो यूज है गुड्स का हायर परचेज को इमिडिएटली दे दिया जाता है जब वो एग्रीमेंट को साइन कर रहा है देन hey, है ऑनरशिप ऑफ गुड्स जो वेंडर है जो सेलर है ऑनर वही रहेगा गुड्स का प्रॉपर्टी का जब तक जो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है उसे नहीं मिल जाती आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हायर परचेजर है वो ऑनर बन जाता है गुड्स का देन फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो अगर जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट्स की वो नहीं करता है हायर परचेजर तो क्या क्या ऑप्शन है जो हायर वेंडर right है, तो है उसके पास सबसे पहले राइट ऑफ रिपोसेशन ऑफ गुड्स टू दी सेलर अगर हायर परचेजर डिफॉल्ट करता है इन दी पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स तो जो वेंडर है उसके पास राइट है वो अपनी गुड वापस ले सकता है देन फॉर फ्यूचर ऑफ रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट्स हायर परचेजर अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स की नहीं करता है तो जो वेंडर है उसके पास राइट है कि जितना ऑलरेडी अमाउंट उसने अभी तक रिसीव किया है उसे वो हायर रेंट मार्क मानकर जो भी पूरा अमाउंट है उसको फॉरफिट कर लेगा देन नेक्स्ट इज राइट ऑफ रिसीविंग दउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट इसके साथ साथ अमाउंट कर लिया इंस्टॉलमेंट्स का जो ऑलरेडी रिसीव हुआ है एज हायर रेंट लेकिन उसके एडिशन में भी जो वेंडर है उसके पास राइट right है कि वो रिसीव कर सकता है आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट और आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट का मतलब वो इंस्टॉलमेंट जो ड्यू बनी है ऑन दी डेट ऑफ रिपोसेबिलिटी ऑफ मेंस ऑफ गुड्स इन गुड कंडीशन जो हायर परचेज कर रहा है पर्सन वो ऑनर तो गुड का तभी बनेगा जब पेमेंट आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की कर रहे हो लेकिन उसे गुड्स को रखना है एक बेली की तरह और वो जो है टेक केयर करेगा गुड्स की जैसे एक प्रोडेंट पर्सन करता है समझदार पर्सन करता है अगर वो गुड उसकी होती नेक्स्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपेयर्स जो हायर वेंडर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा रिपेयर करवाने के लिए गुड्स की अगर जो आपका हायर परचेजर है वो रीजनेबल केयर उस गुड की कर रहा है तब भी द नेक्स्ट इज नो राइट टू सेल और प्लेज़ गुड्स जो हायर परचेजर है वो ऑनर नहीं बना है गुड्स का जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती तो जो है उसके पास कोई भी राइट right नहीं है गुड को सेल करने का या गुड्स को प्लेज करने का टिल वो जब तक पेमेंट नहीं कर देता लास्ट इंस्टॉलमेंट की नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज सिस्टम इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच